बैरो उपखंड क्षेत्र के खोरी गांव में श्रम एवं नियोजन मंत्री के मुख्य अतिथि में न्याय आपके द्वार शिविर लगाया गया। शिविर में मंत्री के प्रभाव से समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, क्योंकि इससे पूर्व में 1 मई से ग्राम पंचायतों में लगे शिविरों में ग्रामीणों को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पाया था। इस शिविर में ग्रामीणों के कार्य पूरे किए गए। महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और पुरुषों को राज्य सरकार के तहत पट्टे बनाकर वितरित किए गए। इसके अलावा मंत्री ने ग्रामीणों को शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाकर परिवादियों के उचित कार्य करने के लिए विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले लगे शिविरों में अधिकारियों की अनुपस्थिति में अनेकों परिवादियों के कार्य पूरे नहीं हो पाए थे। शिविर में अधिकारी नजारा होने से पट्टों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न प्रकार के कार्य नहीं हो पाए और ऐसी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को गुमराह किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीणों से छुपाई गई, जिनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। तथा शिविर की योजनाएं कागजों में सिमटती रही, लेकिन शिविर में मंत्री के पहुंचने पर ग्रामीणों के कार्य निपटाए गए। मंत्री और जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्य रूप से कृषि उपज मंडी सदस्य अजीत यादव, एसडीएम विकास राज पुरोहित, विकास अधिकारी सुभाष यादव, सरपंच राजेश खिलाड़ी सहित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बार ये कैंप हमारी सरकार ने माननीय सचिव मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत हेडक्वार्टर पर रखे हैं, जिससे वहाँ के लोगों के समस्याओं का वही समाधान है। अभी मैंने पट्टे बांटे हैं, जो लोगों के बाप दादा परदादा वो यहाँ पैदा होकर चले गए, पर उन्होंने कभी भी अपने मकान का मालिकाना हक नहीं मिला। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कि उन्होंने ये पट्टे की जो प्रक्रिया शुरू की है, आज अपना मकान बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, आज वो मालिक बन चुके हैं, हमेशा उनका अपना अधिकार रहेगा, यहाँ तक उनका कोई अधिकार नहीं। इसी तरह से हमारी जो भी समस्याएं, किसी का कार्ड नहीं बन रहा भामाशाह, किसी का श्रम कार्ड नहीं बन रहा, किसी का बिजली का मीटर फॉल्ट है, किसी का बिल ज़्यादा आ गया, किसी का मेटेरियल नहीं चल रहा, इस किसी का बंटवारा नहीं हो रहा, चक्कर काटते थे, आज एक मौके पर एक समय एक ही जगह पर इन सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। और मैं सब जगह मिला हूँ, सबके रजिस्टर देखें, काफ़ी अच्छी प्रगति के ऊपर है। जो सरकार की मंशा थी, जो मुख्यमंत्री की मंशा थी, उसके अनुरूप काम हो रहा है, लोग इससे संतुष्ट हैं।